खरीदी के साथ बदलते भारत की शान। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज आपको एक ऐसी पंचायत जो तीन जिलों के संगम से बनी हुई है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप उस पंचायत में पहुंचते हो तो आपको लगता है कि आप शिमला में हो, आपको लगता है कि आप मंडी में हो, आपको लगता है कि आप कुल्लू में हो। हालांकि आप कुल्लू में नहीं, मंडी जिले के नांज पंचायत में खड़े होकर बात कर रहे हो, और उसी पंचायत से आज मैं बात कर रही हूँ। इस पंचायत के आसपास के गांव में हम आज बात करेंगे। आज उन गांव वासियों से चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का नाम आते ही जहन में आता है कि देखिए सबसे बड़ा बोलबाला प्राकृतिक खेती का पहाड़ों की नगरी से आता है। और आज इसी पहाड़ों की नगरी से आपको बताने वाली हूँ कि प्राकृतिक खेती के साथ साथ और हमारे यहाँ पर किसान भाई क्या करते हैं। सुना है किसान भाइयों से भी ज्यादा किसान महिलाएं आपको तस्वीर में दिख जाएगी। देखते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में। लेकिन जब भी नांज पंचायत का नाम आपके जुबा पे आए, जब भी जहन में आए, तो याद कीजिएगा कि मंडी जिले से नांज पंचायत से पद्मश्री अवार्डी नेकराम जी भी यही से आते हैं। उन्होंने पूरे जिले का, पूरे गांव का, पूरी पंचायत का नाम रोशन कर दिया है। तो सोचा आज उन्हीं के गांव में जाकर चर्चा की जाए। चलिए हमारे साथ, आप भी इस चर्चा का हिस्सा बनिए। चौपाल चर्चा का सफर जो है वो हिमाचल में, हिमाचल से मंडी, और इस मंडी जिले के नांज पंचायत में हम पहुंच गए हैं। और इस पंचायत के आसपास के बसे हुए गांव के तमाम किसान और किसान महिलाएं हमारे साथ हैं। हमारी चौपाल की तस्वीर बहुत खूबसूरत है, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। ये हिमाचली पहनावा, ये हिमाचल की मुस्कान और हिमाचल की तालियों की गड़गड़ाहट पूरा भारत सुनेगा। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती। हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे अन्नदाता, किस तरह से कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती को ये क्यों शुरू कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए किसान महिलाएं बैठी हुई हैं। और हमारे साथ इन्हीं किसान महिलाओं के बीच, किसानों के बीच राष्ट्रपति अवार्डी भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को सीखा और तमाम किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। मैं आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि महिलाओं की हमारी चौपाल है। मैम खड़े हो आप। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? दमयंती। दमयंती, अच्छा दमयंती प्राकृतिक खेती करती हैं? हाँ जी। कब से कर? मैम 8-10 साल हो गए हैं जो हम लगातार प्राकृतिक की खेती कर रहे हैं। जो हमारी ऑर्गेनिक खेती थी पहले से, तो उसमें जो हम ज़्यादा खाद का प्रयोग करते थे, कोई और चीज़ करते थे, हम ज़्यादा उपज के लिए जो है इसमें रासायनिक खादें डालते थे, लेकिन उससे जो हमारा शरीर में लाखों बीमारियाँ लग रही है, तो इसलिए हमने वो चीज़ छोड़ के अब प्राकृतिक खेती के ऊपर आ गए हैं और हम प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती में मैम जैसे हमारा धान में जो हमारा लाल चावल है, कोदा है, कावनी है, जो हमारा शौंक है, या मक्की बाजरा जो कुछ भी है, जो हमारे पहले पुराने अनाज होते थे, हम उसके ऊपर हमने बीच में छोड़ दिया था कि नहीं, बुज़ुर्गों ने ऐसा किया है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन मतलब अब जो है जितना इंसान ज़्यादा इसके प्रकृति इसमें जा रहा है उन्नति की ओर, उतना जो है हम अपने शरीर का लॉस भी कर रहे हैं, इसलिए अब हम प्राकृतिक खेती में जा रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर को पूरी इम्यूनिटी हमारी अच्छी बनी रहती है। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बताया जी। नमस्कार। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा देवी है।
हम भी प्राकृतिक खेती के बारे में काम कर रहे हैं। मैं आंगनबाड़ी में भी करती काम करती हूँ, आंगनबाड़ी की सहायिका भी हूँ। बच्चों को वहाँ भी हमारा खान पान सब कुछ आता है, बाहर की सामग्रियाँ सब कुछ आती हैं, उनको हम बच्चों को भी हम भी खिलाते हैं। और प्राकृतिक खेती में हम भी सब अनाज बेचते हैं, जैसे अभी दीदी ने बताया वो अनाज हम सब बेचते हैं, उसी अनाज से हम बीमारियाँ लाखों तो बीमारी, बच्चे हमारे बहुत भी ज़्यादा बीमार होते हैं, अब तो उस बीमारी वजह से कुछ पर ठीक हो गया है। आप बच्चों को मिलेट्स खिलाते हैं, क्योंकि आपने कहा आंगनबाड़ी में काम करती हैं तो इनका पौष्टिक आहार होना चाहिए, तो क्या क्या होता है खाने में? सब कुछ होता है, दलिया वगैरह होता है, जैसे राजमा वगैरह सब कुछ वहाँ आंगनबाड़ी में हम सब कुछ बच्चों को देते हैं। हाँ जी, आप कब से कर रही है प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती मेरे को 6 साल होगी। प्राकृतिक खेती में आमदनी है कि नहीं है? हाँ जी बहुत, हाँ जी है। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका दीदी जी, क्या नाम है आपका? सीमा देवी। अच्छा सीमा जी, आपके गांव की तस्वीर मैं देख रही हूँ, इतना खूबसूरत गांव है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ की महिलाओं के चेहरे हैं, इतनी आत्मनिर्भर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बैठी हुई है, ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं जी, आजकल अब तो बहुत महिलाएं बहुत आगे चल चुकी है, अब तो आगे जाने में पहले महिलाएं बहुत डरती थी, पर बट आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हर काम में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे ही है जी। प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ जी करते हैं। क्या क्या लगाते हैं? जैसे सब्जी लगाते हुए हम कनक वगैरह, धान वगैरह, ऐसी सब्जी लगाते हैं, तो यहाँ सब्जियाँ होती है? हाँ जी बहुत सारी सब्जियाँ होती है। अच्छा, हाँ जी। अगर मैं बात करूँ बिजली की, कहते हैं कि दो चीज़ें बहुत जरूरी होता है, पानी होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, तो लाइट है? हाँ जी है जी। समय पे आती है? हाँ जी। चलिए ठीक है, पहाड़ों तक भी लाइट पहुँच रही है, तो देखिए इतनी दूरी तक भी, आप भी खड़े हो जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम रामकली शर्मा है। अच्छा रामकली जी, मैं देख रही हूँ कि अब महिलाएं जो हैं प्राकृतिक खेती से जुड़ गई हैं, सदा से महिलाएं खेती बाड़ी को संभालती आई है, तो प्राकृतिक खेती करना क्यों जरूरी है? ये तो पहले हमने छोड़ भी दिया था, बीच में वो हाइब्रिड बीज आ गया था हमारे यहाँ पे, तो फिर हम ऐसे दौड़े उसके पीछे कि हमें बहुत अनाज होना चाहिए, तो फिर बाद में वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं था, वो हमारी मिट्टी भी उससे ख़राब हुई, फिर हम इसमें वो मोटा अनाज किया, कहीं कहीं से बीज इकट्ठा किया, फिर उसको उगाया, फिर औरों को बांटा, फिर उससे वो ज़्यादा नहीं हुआ, फिर हमने उसके जो कोदरा बोलते हैं ना जी हम, उसकी चाय बनाई हमने उसके आटे की, बहुत जगह हमने वो बांटी सबको। अच्छा, हाँ जी। तो अब महिलाएं जुड़ गई? हाँ जी, हाँ जी, महिलाएं पुरुष सब करते हैं काम उसमें। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए इन्होंने शुरुआत की है महिलाओं तक। जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मैनावती। मैनावती जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 70-75 साल होगी जी। 70-75 साल हो गई है। आपको मालूम है शहर वाले इस उम्र में तो बीमार पड़ जाते हैं। नहीं, हम तो संतुष्ट है जी। आपका खान पान अच्छा है? खान पान अच्छा है। जब जितने भी आपको सुनेंगे कि 75 साल वाली महिलाएं जो है 75 ईयर वाली महिलाएं बराबर बैठी हुई है, जानकारी दे रही है, और वो इतनी मुस्कुरा रही है। हमारे देखने को नहीं थे जी यहाँ पेड़ पौधे, अब ये खुद लगाए हमने ये पेड़ पौधे जी, ये कि हमने बहुत सारी जानकारी मिली हमारे को, फिर हमने जंगल बंद किए और डंगर भी कम किए, हमने अच्छी अच्छी गाय रखी हमने, और दूध बिकता हमारे, अब उसमें हमारे को घास पत्तियाँ सब कुछ मिली। दूध का व्यापार भी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। इनकी मेहनत जो है 50-60 सालों की है कि जंगल को किस तरह से इन्होंने मंगल कर दिया। जी नमस्कार। मैं मोहन सिंह भूतपूर्व सैनिक, मैं 96 में रिटायर हो गया था, तो जब से हम रिटायर आए मैंने यही पाया यहाँ पर कि हमारे पास ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ भी है, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जो हमारे थोड़ी खेती है उसमें थोड़ा पानी लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खेती हमारी ऐसी जिसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमारे यहाँ पर साथ में सतलुज नदी बह रही है, तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि हमें इस सतलुज का पानी, पंजाब हरियाणा लड़ रहा है इसके लिए, लेकिन हमारे को यहीं पर सिंचाई के लिए नहीं मिली है, उपलब्ध हो जाए तो हम इसको शायद मिनी पंजाब बना सकते हैं। युवा बाहर जाते हैं तो युवा बाहर जाने के बजाय वो यहीं पर जो है ना उनको रोज़गार भी सब्जियों से, अपने कोई नॉर्मल बगीचे लगा के, जैसे आम लगा ले, अमरूद लगा ले, कोई सब व्यापार, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ये जो है ना बड़े आराम से हमारे युवा जो है ना रोज़गार से इसी से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, बैठिए, आपकी इच्छा पूरी की जाए। नमस्कार राधिका जी। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है? संतोष कुमारी, और मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ, और साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुपों में भी सहयोग करते हैं हम, और महिला मंडल के साथ भी जुड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, महिला मंडल हो गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात कर रही हैं, आंगनबाड़ी की आप बात कर रही हैं, कब से कर रही हैं ये काम आप? आंगनबाड़ी में तो मुझे 17 साल हो गए,
और सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हमारे कम से कम 10-12 साल तो हो ही गए, तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी टाइम से चले। समूह से जुड़कर कितना बदलाव महिलाओं के जीवन में है? समूह से जुड़ के हमें जैसे कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है, तो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और पुराने अनाज उनके बारे में भी जानकारी मिली, तो उनका उत्पादन करवाया जा रहा है, और इसके द्वारा हम जो बच्चों की सेहत, अपनी सेहत पे भी काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है हमें इसमें, क्योंकि ये जो प्राकृतिक खेती है ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमें कई प्रकार के पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि जो हमारी खेती में कोदरा है और कावणी है, जो ये अनाज है इनमें पौष्टिक तत्व और अन्य अनाजों की अपेक्षा अधिक हैं। हाँ जी, बैठिए जी, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है जी? पिंकी शर्मा जी। हाँ जी, आप भी प्राकृतिक खेती करती हैं? हाँ जी, करते हैं। कब से आपने छोड़ दिया उसमें यूरिया जहर डालना? 7-8 साल होगी, अब हम यूरिया वगैरह नहीं, अपने वो खाद वगैरह करते हैं। पहले जो खेती करते थे आज करते हैं? खेती अच्छी कौन सी अब जो अब करें? हाँ जी, खाने में स्वाद भी बढ़ गया। हाँ जी, हाँ जी, बीमारियाँ खत्म हो गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, प्राकृतिक खेती में कहते हैं कि उपज थोड़ी शुरू में कम होती है, तो अब बराबर हो गई? हाँ जी, ठीक है। 7 साल हो गए? हाँ जी। मार्केट मिलता है सब्जियाँ बेचनी हो या धान लगा आपको मार्केट में देना हो खेतों का, तो मंडी है? हाँ जी। कहाँ पे मंडी? धारक सोग में। कितनी दूर है यहाँ से? है 8-10 किलोमीटर। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो मंडी है, मंडी का मार्केट मिल जाता है। दूसरा, अब हमारी महिलाओं ने ठान लिया है कि प्राकृतिक खेती कर दिखाना है देश को आत्मनिर्भरता की ओर, और कहीं ना कहीं पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है। इसी जिम्मेदारी के साथ हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। जी, आपका नाम? दीपा। और खेतीबाड़ी कैसी? खेतीबाड़ी भी करते हैं। आप करती हैं? जी। यहाँ पे कितनी ज़मीन होगी, मतलब सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो कितने बीघा ज़मीन होगी? 15 एकड़। जी, क्या होता है ज़्यादातर उसमें? ज़्यादातर अनार भी लगे हैं और गेहूँ, टमाटर, गोभी, सारी सब्जियाँ लगती हैं। अच्छा जी, ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जी, आप भी खड़े होइए। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? चल ले। खेतीबाड़ी कैसी है? हम प्राकृतिक खेती की बात? हाँ, करते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं। करते हो? हाँ जी। क्या क्या है खेतों में? कणक, धान, गोभी, सब्जी। कभी बीमारी लग जाए खेतों में, फलों में, सब्जियों में, धान में, तो कौन आपको जानकारी देता है या कहाँ से इलाज करवाते हैं? क्रम जी देती है, मतलब यही आपका विज्ञान है, यही कर्म करता है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो कभी कृषि विभाग, कृषि विज्ञान अधिकारी लोग आते हैं आपके बीच? कोई आ भी जाते हैं कभी कभी कभी। हाँ जी, आ जाते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, नांज पंचायत है और आसपास के लगभग 10-15 गांव की हमारी किसान महिलाएं, किसान पुरुष बैठे हुए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि लगातार चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। हिमाचल प्रदेश से आज की चौपाल चर्चा की तस्वीर आप तक पहुंच रही है, घर घर तक पहुंच रही है, और ये सुनकर देखकर समझिएगा कितनी महिलाएं हमारी आगे बढ़ गई हैं। जी नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं महिला मंडल चुहा के प्रधान हूँ, और हम खेती बाड़ी भी करते हैं, मैं सिलाई का काम भी करती हूँ। हाँ, प्रधान कब बनी आप? 6 साल हो गए जी मेरे को। 6 साल? हाँ जी। क्या क्या काम होता है आपका? हमारे रास्ते साफ करने, टैंक साफ करने, जो स्टोर है पानी का स्टोर, बोरियाँ साफ करने, जैसे झाड़ियाँ काटनी रास्ते में, ऐसे ऐसे काम होते हैं हमारे। और सारे काम करवा दिए? हाँ जी, कर रहे हैं, हम करते हैं। हाँ जी, प्रधान बने रहना है आपको, तो काम करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ेगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, आप भी खड़े हुई।
नमस्कार। राधे कृष्णा। क्या नाम है आपका? कृष्णा देव। तो प्राकृतिक खेती के बारे में क्या बताएंगे आप? हम खेती करते हैं जी, ऐसे प्राण अनाज उगाते सारे कुछ, जैसे भाई जी ने सारा बीज हमारे को दिया हुआ, चीना दी हुई, कवनी दी हुई, कोदा दिया हुआ। अचार भी बनाती है हमारी महिलाएं, सिलाई बुनाई भी करती हैं, आप भी कुछ ऐसा करती हैं? अचार बनाते तो है ना जी, फिर ऐसे बेचते नहीं हम। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े होइए। नमस्कार। गुड मॉर्निंग राधिका जी। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, मेरा नाम संजीता है। विज्ञान को जानती है आप, जो अधिकारी आते हैं जानकारी देते हैं? हाँ जी। कितना दूर है यहाँ से उनका ऑफिस? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर। हाँ जी। और नेखराम जी से क्या मदद मिलती है आपको? ये तो सारी जानकारी देते हैं हमें, जैसे खाद डालना है, गोबर डालना है सब्जियों में, सब्जियाँ सारी उगाते हैं, जैसे कुदरा धान, जैसे कावनी शौक वगैरह सारी फसलें उगाते हैं। अच्छा। हाँ जी, सारे वो ज्ञान ये देते हैं कि खाद कम डालना है, गोबर ज़्यादा डालना है। हाँ जी, ठीक है, बैठिए। कितनी अच्छी बात हो जाती है कि गाँव में अगर कोई एक जागरूक हो जाए, कोई एक समझदार हो जाए, तो पूरे गांव को साथ लेकर बढ़ते हैं। यही तो गांव की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। अब आप ही खड़े हो जाए, सब आप ही की तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पंचायत में आए और बहुत खुशी की बात है। तो प्राकृतिक खेती आपने कब सीखा और आपने इसकी क्यों शुरुआत की? देखिए, मैं ना 1984 से लेकर के 1990 तक काफ़ी सारा मैंने केमिकल फार्मिंग किया, और उस बीच में मैंने देखा कि काफ़ी सारे हम कीट जितना मार रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत हम लोग कोई नुकसान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे ये भी महसूस हुआ कि खेती में जो शुरू में पैदावार थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और उसके साथ साथ केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी वो शुरुआत हुई। उसी बीच में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जा जाके मैंने कई सारे प्रशिक्षण लिए, और मुझे चिंता ये थी कि हम इतने सारे कीट जो मार रहे हैं, जिसको प्रकृति ने सबको जीने का हक दिया है, और हम उनको मार रहे हैं। वो मेरे दिमाग में कहीं से ये बात आई कि हमें ये सब गलत है। तो वो यूनिवर्सिटी में जाके जब मैंने साइंटिस्टों के साथ ये काफ़ी सारी चर्चा करी, तो उन्होंने कहा आपकी बात से हम लोग सहमत हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम प्राकृतिक खेती करो, हम तो यही कहेंगे कि रासायनिक करो। ये 1990 से पहले की बात है। ये तो बोलते हैं ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो मैंने वहाँ के साइंटिस्ट थे नॉन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि खाली गोबर को घोल करके अगर आप क्यारी में डालते हैं, खाली घोल करके ही, तो भी जो हमें केमिकल फर्टिलाइजर उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैंने वो सब शुरुआत करी थी 1990 के बाद ये सारा, और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारा उसमें अर्थवर्म आ गए, और बैक्टीरिया का तो तब इतना जानकारी नहीं थी। उसके बाद मैंने बेंगलोर में जाकर के एग्रीकल्चर धारवाड़ यूनिवर्सिटी है वहाँ कुछ प्रशिक्षण लिया मैंने, तो वहाँ से पूरा समझ आया कि हमने जो आज तक किया ये तो बहुत बड़ा अन्याय किया हमने प्रकृति के जीवों के साथ, क्योंकि बहुत सारे जीव हमने मार दिए। और उसके बाद शुरुआत हो गई मेरे पूरी तरह से प्रकृति खेती की। और उस बीच में हम लोग जंगल के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे, तो कुछ बुज़ुर्गों ने कहा कि ये सब तो तुमने अच्छा काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमारे परंपरागत अनाज हैं ये भी हमें कुछ करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो परंपरागत अनाज है 50 साल रखो उसमें कीड़ा नहीं लगता, और जो आज हमारे बीच में डेवलप्ड किस्म के जो अनाज आए उसको बचाने के लिए जहर की पुड़िया डालनी पड़ती थी। और कई बार ये हुआ है, हमने देखा कि वो जहर की पुड़िया धीरे धीरे जा कर के वो पशु के उसमें जो उसका फक होता है चावल का, राइस पॉलिश, उसमें गया, पशु बीमार हुआ, ऐसे कई तरह की कहानियाँ सुनने में मिली। तब जा करके फिर सफ़र और ज़्यादा तेज़ हुआ मिलेट्स का, और तब तो मिलेट्स हम नहीं बोलते थे, मतलब तो उसका नाम रखा था अद्भुत अनाज, कि अद्भुत अनाज के लिए सारे महिला मंडल को प्रेरित किया। बहुत भाई लोग हमारे बीच में, आप देखें जो एक्स सर्विस मैन है जिनका पहले बात हुई, इन्होंने सबसे पहला कदम आगे उठाया, और ये बहन हैं कृष्णा देवी और कुछ बहनें हैं जिन्होंने काफ़ी सारा जो मिलेट्स हैं जिसमें फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ये सब लगाना शुरू किया। अभी तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट शुरू हुआ, पूरे दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, और मुझे भी जो ये इतना बड़ा जो सम्मान मिला, पद्मश्री अवार्ड जो मुझे मिला, तो मैं तो यही कहूँ कि ये मुझे नहीं मिला, ये मेरे जो पंचायत के लोग हैं ये इनके लिए मिला है, और मैं तो इन्हीं का धन्यवाद करता हूँ सारा। देखिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ पर महिलाएँ हैं। नमस्कार जी, हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम खेतीबाड़ी करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, और साथ में सिलाई का काम भी करती हूँ, और सब्जी भी उगाते हैं, और जैसे गेहूँ, कोदा, शौक, कावनी, चीना, ये सब सारी फसलें हम उगाते हैं, और इससे जो है हमारा बीमारियाँ जो है बहुत कम मतलब फैलती है, जैसे पथरी, रसौड़ी वगैरह, मतलब ये इससे जो है ख़त्म हो जाती है।
ऐसी खेती जो है हम करते हैं जी। पहले के मुकाबले अब खेती अच्छी होगी? हाँ जी, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बैठिए जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम कृतिका है। आज से 12 साल पहले जो मैंने नहीं देखा था वो अब यहाँ पे उपलब्ध है। चाहे आप उसको पढ़ाई की बात करें, चाहे महिलाओं के आगे जो बढ़ने का जो जुनून है, मैंने वो शहरों में भी नहीं देखा है। तो सारा श्रेय इस गाँव की महिलाओं को जाता है, जो झिझक जो पहले थी कि हम ये नहीं सीखना चाहते हैं, जब उन्होंने देखा कि उससे कितना अच्छा विकास हो रहा है और उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, अब मैं देख रही हूँ कि सब एकजुट होकर आगे बढ़ रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी। इन लोगों ने मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। और रही बात एक एग्ज़ाम्पल देना मैं चाहूँगी आपको इस गाँव का, जब पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, हमारा गांव एकदम स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, यहाँ पे कोई बीमार नहीं पड़ा। और उसका एक रीज़न यही है कि जो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो दवाएं हैं हमारी, वो हमें यहाँ पे अपने गांव में आसपास ही मिल जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। मैम नमस्कार जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि प्राकृतिक के बारे में, और हमने सब्जी वगैरह होती बीजी हुई और कणक वगैरह भी होती बीजी हुई, सब कुछ होता हमने, और गारंटी में भी काम करते हैं। और मैम आज भी हम गारंटी में से ही आए हैं। आज जब हमारे को पता लगा कि मामा जी ने ऐसे हमारे यहाँ पे बोला कि ऐसे से आ रहे हैं, फिर हमारे को बोला गया कि आप जाओ वहाँ पे, फिर आगे मैम आज भी हम गारंटी से आए, सब काम करते हैं हम, सब्जी वगैरह भी होती हमने बीजी हुई। अच्छा, पहले के मुकाबले आज गांव कितना तरक्की कर चुका? बहुत तरक्की कर रहा है मैम। जैसे सब्जी वगैरह भी यूज से थोड़ा हो जाता है हमारे घर का, वैसे ज़्यादा लोग जाते भी नहीं, इधर उधर यहीं पे कर लेते। हाँ जी, मेडिकल की सुविधा है? हाँ जी, मार्केट भी है? मार्केट भी हो जाता है मैम, जैसे सोग वगैरह वहीं से लेते। यहाँ पे रोजगार ज़्यादातर क्या होता है? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी होता मैम, जैसे पंचायत के थ्रू काम मनरेगा का निकलता है, उसमें भी काम कर लेते, सुबह उठना जल्दी, फिर दिन को काम पे जाना, सब कुछ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं। देखिए भाई, महिलाओं की भीड़ इतनी है, सब तक तो नहीं पहुँच पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपकी बात बाहर तक पहुँचे। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम व्यासा देवी है। आज से 20 साल पहले जब मैंने इस गांव के बारे में सुना या पढ़ा, उससे आज कैसा हो गया? मैडम जी, आज से 20 साल पहले तो पानी भी होता था, सब कुछ होता था, अपना ही होता है ना। आज हम लोग यहाँ कोई बाज़ार से कोई राशन नहीं लाते हैं ना सब्जी लाते हैं, हम अपने ही सब्जी भी उगाते हैं, राशन भी हमारा अपना ही होता है। और जो हमारी खेती है उसके लिए हमारे को सिंचाई की ज़रूरत है। हमारे गाँव सामने से नदी बह रही है, अगर नदी से हमारे को पानी आ जाता है तो हमारी खेती बहुत अच्छी होनी है। अच्छा, दूर से कोई देखकर ये कह दे कि ये छोटा सा गांव है, इन सब को देखकर, अब ये तस्वीर को देखकर लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएगी, तो वाकई में आपका गांव बहुत आगे बढ़ गया? हाँ जी, बहुत बहुत आगे बढ़ गया है जी। हाँ जी, और महिलाओं को जो पहले घरों में रोका जाता था, जो पढ़ाई नहीं करती थी, अब तो बहुत आगे है, बेटियाँ बहुत पढ़ रही है, बेटे मतलब काफ़ी माँ बाप उनके लिए बहुत ही सहयोग करे कि पढ़ो पढ़ो बेटे पढ़ो, और हमारे बेटे बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हम इसके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू देवी है। गुड्डू देवी, प्राकृतिक खेती करती हैं आप? हाँ जी। कब से? हो गए बहुत साल, बहुत साल हो गए। हाँ जी। अम्मा आपका क्या नाम है? पद्मावती राधे, पद्मावती जी। अच्छा, पद्मावती जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। इनके बच्चों के बीच मुस्कुरा रही हैं आप। गांव तो बहुत तरक्की कर दे ना, हमने तो क्या कमरा मारी आप नीचे की दियारी। की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन बुरी आंखों ने बहुत कुछ देखा। हाँ जी, वो देखा तो बहुत कुछ देखा जी। हाँ जी, तो पहले से अब गांव अच्छा हो गया? हाँ जी, अब तो अच्छा हो गया, आमदनी बढ़ रही है? हाँ जी, बढ़ रही। हाँ, बढ़ रही। और मदद मिल रही है सरकार से? हाँ, मिल रही है जी, मिल रही है। हाँ जी, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामलीला है। रामलीला, हाँ जी, कुछ कहेंगे रामलीला जी? हाँ जी, हम खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। हाँ जी, चलिए। हर किसी ने एक अपनी पहचान बनाई है खुद के नाम की, और वही बात है कि अगर आज वो अपने नाम के साथ बात कर रही हैं, तो इसे कहते हैं कि अब बदल रहा है भारत। और ये ठंडी हवाएं, ये ऊंचे आसमान और ये पहाड़ घने, ये कहते हैं कि अब इन पहाड़ों के बीच रहने वाले गाँव किसी से छुपे हुए नहीं है, इन पहाड़ों के बीच बसे हुए गाँव हिंदुस्तान में एक तरक्की की तस्वीर बन रहा है। और उसी खूबसूरत तस्वीर को दिखाने के लिए दिल्ली से हमारी टीम हिमाचल पहुंच गई है। मैं इजाजत चाहूंगी, अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार?
देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से TD फ्री डिश पर। हमारा संबंध संगीत से है। संगीत कई चीजों का मिश्रण है। संगीत सुरों का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है, ताल और लय में फर्क होता है, तो लय का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है, सुरों का और माधुर्य का और मेलेडी का में एक फ़र्क होता है, तो सब कुछ मिला के संगीत बनता है। वैसे ही देश को अगर हम संगीत मान लें या एक हार्मनी मान लें, एक गीत मान लें, एक एक नोट, एक एक ताल, हर चीज़ मिला के वो एक संगीत का शाहकार बनता है। वैसे ही देश हम सभी के सुरों को मिला के, हम सभी की तालों को मिला के, एक लय में हम जब मिल के साथ चलते हैं तो एक अच्छा प्रगतिशील देश बन के सामने आता है। याद रखिए कि आपका जो वोट है वो एक नोट की तरह है, एक सुरों के नोट की तरीके से है, जो सब एक साथ मिल के इस तरह संगीत बनता है, वैसे ही हमारा देश आपके वोट से बनता है। नोट से बनता है संगीत, वोट से बनता है देश। यह हक हर देश में नहीं है। इस देश में आपको यह हक मिल रहा है कि आप अपना वोट दे पाएं और आपको उस जगह दी जाती है, चाहे आप अरबोपति हों या चाहे आप एक मध्यम वर्गीय इंसान हों, हक बराबर है सबको। इस अधिकार का आप पूरा फ़ायदा उठाएं और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। 5 साल में 5 मिनट तो अपने देश को हम दे ही सकते हैं। आइए गर्व से अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, मेरा चैनल और आपका चैनल अब जल्दी आ रहा है हमारे बीच एक नए रंग रूप में। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अंधकार राहु के कारण नहीं है देवर्षि, अंधकार केसरी कुमार के कारण है। वो सूर्य देव के सामने आ गए हैं। सभी यही चाहते हैं पवन देव कि आपका पुत्र सूर्य मंडल से सुरक्षित निकलकर बाहर आए, किंतु सूर्य के ताप से कोई बच सका है भला? परिणाम तो अभी शेष है देवी पार्वती। अब नहीं देखना है परिणाम मुझे, केसरी कुमार के प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पुनः आप चिंतित क्यों हो रही देवी, उन्हीं के लिए तो यह सब हो रहा है। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब हमारा DD किसान आ रहा है हम सब के बीच में नए अंदाज में।
डीडी किसान।